दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि वो पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं। आखिर वो कौन सा रीज़न है जिसके कारण हम भूलते हैं? तो हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आखिर वो रीज़न भी कौन सा है जिसके कारण भूलते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलते सभी है। कोई कम भूलता है तो कोई ज़्यादा भूलता है, और हम भूलेंगे नहीं तो लाइफ में इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे? कई हद तक भूलना ज़रूरी भी है। अब भूलना भी कई प्रकार का होता है, कुछ के तो याद ही नहीं होता वो भूलते कैसे हैं, और कुछ के याद होता है तो भूल जाते हैं। तो भूलते कैसे हैं, इसके कई रीज़न है। तो यार, ऐसे भूलेंगे तो काम कैसे चलेगा? याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर वो कौन सी टिप्स है जिनको फॉलो करके हम याद रख सकते हैं? आखिर वो कौन सी रीज़न है जिनकी वजह से हम भूलते हैं? तो वो है इंटरेस्ट और रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट पर। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट, उसमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसमें कितने परसेंट देते हैं ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको ज़रूर याद होगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट को जगाना है। पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे जगाए, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब हमने जो भी पढ़ा वो याद तो हो गया, लेकिन हमारे ब्रेन में 24 आवर के बाद भूलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इस भूलने की प्रक्रिया से बचने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, स्टडी में रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ, आपको भूलने की बीमारी बंद हो जाएगी, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो भी टाइम टेबल बनाते हैं उसमें रिवीजन के पॉइंट को ज़रूर ऐड कीजिए। रिवीजन 2 दिन छोड़ के 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप रिवीजन कीजिए, या जो आपने पहले सप्ताह में पढ़ा उसको दूसरे सप्ताह में रिवीजन कीजिए, दोहराइए। हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, इसका मेन रीज़न यही है कि हम उसका रिवीजन नहीं करते। तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, आपको ज़रूर याद होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ये और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियो और एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है।